तो हम आ चुके हैं अपने डे टू पर डे वन के अंदर हमने बेसिक्स कवर किया था सेटअप्स किया था और जावा की कुछ हिस्ट्री की थी और अपना फर्स्ट प्रोग्राम प्रोग्राम भी किया था तो अगर उसमें किसी को डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो तो अभी तक तो किसी का नहीं था कुछ भी तो आज अपना डे टू है और ये हमने फिफ्टीन डेज़ का सीरीज़ स्टार्ट किया हुआ है जिसके अंदर हम जावा को कम्प्लीट करने वाले हैं फिफ्टीन डेज़ के अंदर तो फर्स्ट डे हमने ये कवर किया था आज अपने सेकेंड डे तो सेकेंड डे के अंदर हम वेरिएबल्स करने वाले हैं कॉन्सोनेट्स करने वाले हैं और डिक्लेरेशन कैसे करते हैं टाइप कास्टिंग और डेटा टाइप्स तो इनके बारे में आज करने वाले हम सेकेंड डे पर तो आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करते हैं तो अभी तक हमने बेसिक बेसिक्स कवर किए हैं तो आज अपना थोड़ा वेरिएबल्स टाइप तो जिसने पहली वीडियो देखी हुई होंगी तो वो उसको एंड तक देखना फिफ्टीन डेज तक तो आप इन एंड अपना एक प्रोजेक्ट भी बनाओगे और ये सब चीज़ पूरा फिफ्टीन डेज का कंटेंट भी आपको एक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा वेबसाइट का वहाँ पर पूरा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा आप जाके वहाँ से चीज़ें देख सकते हो रीड भी कर सकते हो या आपको अगर वहाँ से पी चाहिए इसका पूरा का फिफ्टीन डेज़ का तो पी भी मिल जाएगा वो भी बस एंड ऑफ द डे पर मतलब जब फिफ्टीन डेज कंप्लीट हो चुके होंगे तब मिलेगा वो भी और ये सारी की सारी वीडियोज़ एक सीक्वेंस में भी आपको मिल जाएगी वो भी एक प्लेलिस्ट के अंदर और वेबसाइट पर भी आपको एक जगह मिल जाएगी तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिफ्टीन डेज़ के अंदर आप ऐसा कुछ कर पाओगे तो आपको एक महीना या इसके लिए आपको ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा लाइक आपको तीन चार हज़ार रुपया अगर आप एक्स्ट्रा कहीं सीख रहे हो तो वो भी ये चीज़ ही सिखाएंगे आपको कुछ अलग से नहीं सिखाएंगे बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस पर कितना टाइम दे रहे हो तो आज हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स के बारे में सो अपने डे वन के अंदर हमने बेसिक्स किया था और अपने कुछ सेटअप्स किया था कि हम सेटअप कैसे करने वाले हैं तो अगर आप किसी बंदे का वो सेटअप्स नहीं हुआ है तो वो भी कमेंट कर सकता है अगर नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो वो भी बंदा बता सकता है अगर आप यूट्यूब से किसी और वीडियो को देख नहीं सेटअप कर पाएँ तब तो भी आप मुझे बता सकते हैं तो मैं आपको इंडिविजुअल सेटअप करा सकता हूँ मतलब आप कमेंट करो तो मैं वहाँ से टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि मेरा सेटअप नहीं हुआ है तो मैं इसको सेटअप करा दूँगा कि कैसे आप नए इन्वायरमेंट सेट करना है सो so, आज अपना डे टू तो डे टू के अंदर हम करने वाले वेरिएबल्स एंड कंसोनेंट्स के बारे में सो वेरीबल्स वेरिएबल्स क्या होते हैं ठीक है वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं सो वेरिएबल्स एंड कंसोनेंट इस्टेब्लिस एलिमेंट टू स्टोर दैनजिंग द डेटा विद द प्रोग्रामिंग मतलब मैं आपको थोड़ा इसको एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ तो वेरीबल्स हमारे और कॉन्सोन्ट्स क्या है हमारे कॉन्सटेंट ये वो चीज़ है मेमोरी के अंदर जिसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करा रहे हैं वेरीबल्स एंड कॉन्सटेंट तो एलिमेंट्स ऑफ स्टोरिंग एंड मैनेजिंग डेटा विद द प्रोग्राम तो इस्टोर करा रहे हैं और उस पर फिर मैनेज मतलब उसमें कुछ एक्शन परफॉर्म कराने हैं है, हमें उस डेटा पर वो काम करते हैं हमारे वेरिएबल्स दे एक्ट एज ए प्लेस होल्डर टू स्टोर दे डेटाइफ इंफॉर्मेशन मतलब हमने कोई वैल्यू मेमोरी के अंदर रख दी है तो उसका उसको हमने जैसे वन टू थ्री रखा हुआ है ठीक है तो हम उसको वन टू थ्री तो हर जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे जैसे ये हमारी एक मेमोरी है ठीक है और हमने एक वेरिएबल यहाँ बनाया है ठीक है और एक वेरिएबल सी बना लिया तो हमने इसको अंदर वैल्यू दे दी टू अब हमें इस वैल्यू को कहीं पर यूज़ करना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो हम उसको टू तो नहीं यूज़ करेंगे मतलब टू यहाँ पे ऐड कर दिया टू जितनी ज्यादा भी हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा तो हम उसको टू नहीं यूज़ करेंगे हम उसको एक नेम रख देंगे ताकि हमने उसका नंबर रख दिया ए तो जब भी हम ए को कहीं पर भी कॉल करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा एग्जैक्टली exactly टू तो ये वेरिएबल्स का काम होता है जैसे आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे आपका कुछ नेम है ठीक है और आपका नेम है तो जब हम आपको कॉल करेंगे तो जैसे किसी का नाम अमित है तो जब हम अमित को कॉल करेंगे तो अमित ही आएगा और अमित के साथ जो उसकी प्रॉपर्टी है वो भी आएगी मतलब अमित अच्छा स्टूडेंट है ठीक है और उसके हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड मार्क्स आते हैं तो वो उसके साथ आएगा अगर मैंने कहा कि भाई वो बंदा आओ जिसके 90 मार्क्स आते हैं तो 90 में 100 बंदे आ जाएंगे पर हमें नहीं पता कि 90 वाले कितने बंदे हैं तो सेम ऐसे ही अगर हमने यहाँ पर भी इसके अंदर भी टू यूज़ किया हुआ है और टू यूज़ किया हुआ है अगर हम डायरेक्टली टू ही यूज़ करें प्रोग्राम के अंदर ठीक है और और हमें चाहिए क्या और ये है बी वेरिएबल से एक तो अगर हम ए और बी यूज़ करेंगे तो उससे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ए और प्लस बी का मतलब क्या है कि टू प्लस टू करना है एक ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है और एक ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है बट अगर हम टू प्लस टू कहीं प्रोग्राम पे डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो उससे क्या पता लगेगा उससे तो यही नहीं पता लगेगा कि ये वैल्यू किसकी है और ये वैल्यू किसकी है तो इसलिए हम नेम यूज़ करते हैं उन वेरिएबल्स का और वो वेरिएबल्स का नेम का मतलब है एग्जैक्टली मेमोरी की लोकेशन जहाँ पर हम उस वैल्यू को रख रहे हैं तो जैसे ए यूज़ किया तो इसकी एक एड्रेस होगा जैसे वन टू थ्री कुछ भी मेमोरी के अंदर उसके पास एक वैल्यू होगी यहाँ पर जैसे थ्री तो जब भी हम ए को कॉल करेंगे तो ये कहाँ जाएगा इस वाले एड्रेस पर जाएगा और इस वाले एड्रेस पर इसको क्या मिलेगा ये वाली वैल्यू मिलेगी तो ये इनडायरेक्टली इसको ही असाइन कर रहा है मतलब इसको ही वहाँ अपॉइंट कर रहा है थ्री को बट जा कैसे रहा है इसको एक एड्रेस जाएगा एड्रेस के पास उसको एक वैल्यू मिलेगी और वैल्यू के बाद इसको कहाँ जाना है इस ए पर असाइन कर देना जब तो जहाँ पर भी हम ए को यूज़ करेंगे वहाँ पर एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं थ्री थ्री को यूज़ कर रहे हैं तो अब वेरीबल्स एंड नेम्स वेरीबल्स क्या होते हैं हाँ तो वेरीबल्स के बारे में बात करते हैं दे आर नेम मेमोरी लोकेशन दे आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जो मैंने अभी बताया आपको तो वेरीबल्स हमारी मेमोरी लोकेशन का नेम है जो चेंज होते हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पर मतलब ऐसे सेम कि अगर हमने प्रोग्राम के अंदर नेम नहीं यूज़ किया कोई वेरिएबल्स का नेम ही नहीं यूज़ किया यहाँ पर टू यूज़ किया हुआ और यहाँ पर हमने थ्री यूज़ किया हुआ है ठीक है हमने प्रोग्राम के अंदर टू प्लस थ्री किया फ़ाइव हो गया ठीक है अब ये फ़ाइव मेमोरी के अंदर तो चला जाएगा ऐसे डायरेक्टली बट अगर हमने इसको कहीं भी स्टोर नहीं किया और हमने इसको नेक्स्ट टाइम यूज़ करना पड़ेगा फाइव कहीं पर हमें फ़ाइव और प्लस टू तो ये वैल्यू तो चेंज हो जानी है ना फिर ये चेंज हो जाएगी तो हम इसको कैसे यूज़ करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर तो इसलिए वो कुछ वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं नेम कन्वेंशन यूज़ करते हैं तो वेरिएबल्स कुछ नहीं है बस मेमोरी लोकेशन है मेमोरी नेम है मेमोरी लोकेशन का जो भी वैल्यूज के अंदर है जो चेंज होगी ड्यूरिंग द प्रोग्राम्स वो होल्ड करता है हमारे डेटा को दैट मॉडिफाई थ्रू द प्रोग्राम्स तो जब मैंने ऐसे बताया आपको कि ये अगर ए हमने कहीं यूज़ किया हुआ है तो ये एक मेमोरी लोकेशन है वन टू थ्री कुछ भी इसका नाम हो सकता है तो ये बस इसको इंडिकेट कर रहा है कि ये एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर हमारा डेटा रखा हुआ है ठीक है और ये डेटा जब हम यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर तो मोडिफिकेशन जो भी होगा वो इस वेरिएबल के थ्रू होगा तो वेरिएबल्स क्या है दे आर द नेम मेमोरी नेम लोकेशन दैट आर चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन दे होल्ड द डेटा जो होल्ड करते हैं डेटा को एंड दे होल्ड द डेटा थ्रू द थ्रू द प्रोग्राम जितने प्रोग्राम हम यूज़ करने वाले उसके अंदर दे जो डेटा को यूज़ किया हुआ उस मॉडिफिकेशन जो भी होगा वो वेरिएबल्स के थ्रू होता है कॉन्सटेंट भी मेमोरी लोकेशन ही है बट इसमें उसमें क्या डिफरेंस है इनको हम चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू मतलब जो भी हमने इनको वैल्यू असाइन कर दी है तो वो सेम रहने वाली है इसमें हम क्या करेंगे चेंज नहीं कर सकते तो वेरिएबल्स को हम चेंज कर सकते हैं कॉन्सटेंट को हम चेंज नहीं कर सकते सेम ये भी मेमोरी ही मेमोरी लोकेशन का नेम ही बताते हैं मतलब अगर हमने कोई कांस्टेंट वेरिएबल्स लिया हुआ है और हमने उसमें कोई वैल्यू डाल दी थ्री या फोर तो वो वैल्यू पूरे प्रोग्राम के टाइम पर चेंज नहीं होगी क्योंकि इस इसी को बोलते हैं कांस्टेंट क्योंकि वो कांस्टेंट है इसलिए चेंज नहीं होगी वेरिएबल्स हमारे होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं वो हमारे वेरिएबल्स हैं तो ये थोड़ा डीप में बता दिया कि मेमोरी में जाकर उसको लोकेशन वर्णा वेरिएबल्स का मतलब जिस सिंपल यही है, है जो भी हमने प्रोग्राम में यूज़ करनी है वैल्यूज़ जो भी हम डेटा टाइप यूज़ करना है तो उनको वेरिएबल में असाइन कर देंगे वो वो वेरिएबल्स मेमोरी की लोकेशन को इंडिकेट करते हैं तो जब भी हम उस प्रोग्राम के अंदर उन वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे तो जितनी मॉडिफिकेशन होगी वो सब उस लोकेशन पर जाके मॉडिफिकेशन हो जाएगी और एग्जैक्टली exactly वो वैल्यू स्टोर हो, हो जाएगी जो हमारे लास्ट में होगी उस वेरिएबल्स के पास अब बात करते हैं डेटा टाइप की तो डेटा टाइप आर जस्ट दी डेटा टाइप देट कैन होल्ड सेवरेल बिल्ड डेटा टाइप्स सेवरल बिल्ड डेटा टाइप्स तो मतलब डेटा टाइप्स हमारे क्या है तो डेटा टाइप का मतलब होता है कि जैसे हमारे पास रियलिटी में अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं ठीक है या अलग अलग टाइप की चीजें होती है वो एक ही चीज़ पर वो अलग अलग तरीके की है जैसे नंबर भी होते हैं हमारे पास नंबर कोई वन टू थ्री फोर होते हैं कहीं पर वो पॉइंट्स में काउंट होते हैं कहीं पर पॉइंट्स में उनकी वैल्यू होती है कहीं पर पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होती है जैसे हमने यूज़ किया वन टू तो कहीं पर तो इसकी वैल्यू है पूरी कहीं पर हमने यूज़ किया वन टू पॉइंट फाइव सिक्स कहीं पर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो बस हम को यूज़ करते हैं कहीं पर क्या होता है कि हमें वन टू पॉइंट एट्टी सिक्स तो हमें इसकी भी पूरी नीड है मतलब हमें एट्टी सिक्स जो पॉइंट में आ रहा है हमें उसकी भी नीड है तो एक्जैक्टली exactly है तो नंबर ही है बट इसमें क्या हो रहा है कि अलग अलग टाइप के नंबर्स हैं हमारे पास ये एक नंबर है ये भी एक अलग नंबर है ये भी एक अलग नंबर है यहाँ पर हम बस खाली सिंपल ट्वेल्व लिखा हुआ है यहाँ पर ट्वेल्व पॉइंट फिफ्टी सिक्स लिखा हुआ बट फिफ्टी सिक्स जो एंड में है पॉइंट के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं है मतलब हम इसको इग्नोर कर रहे हैं यहाँ पर बट जो ट्वेल्व पॉइंट एट्टी सिक्स लिखा हुआ हम इसको इंक्लूड कर रहे हैं इसकी भी वैल्यू है या इसके बाद कुछ भी पॉइंट आ रहा है उसकी भी वैल्यू है मतलब हम उसको उसकी नीड है हमें उसकी प्रोग्राम के अंदर ज़रूरत है तो इसलिए जैसे अलग अलग के टाइप के ऐसे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं अलग अलग नंबर्स के लिए एक इंटीजर होता है एक डबल होता है एक कैरेक्टर होता है एक बुलियन होता है और एक स्ट्रिंग होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे इंटीजर्स नंबर को इंटीजर्स का मतलब होगा जैसे हमारे वन टू थ्री जिनके पास पॉइंट्स नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इंटीजर्स डबल रिप्रेजेंट करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को यानी कि डेसिमल्स वालों को जैसे वन फोर थ्री पॉइंट टू इसको रिप्रेजेंट करता है जो डबल्स हमारा होता है कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है सिंगल कैरेक्टर को जैसे ए हो गया एक सिंगल कैरेक्टर हो गया बी हो गया एक सिंगल कैरेक्टर हो गया तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारा सिंगल कैरेक्टर को बुलियन रिप्रेजेंट करता है ट्रू और फॉल्स वोल्यू के लिए जहाँ पर ट्रू और फॉल्स वैल्यू यूज होने वाली है वहाँ पर यूज़ करते हैं बुलियन को ट्रू फॉल्स मतलब कि जैसे कोई वैल्यू है या तो वो ट्रू हो सकती है फॉल्स हो सकता है मतलब या तो Uh, कैसे प्रोग्राम के रियल लाइफ में जैसे तो स्कूल जाएगा वो फोर पी पर या नहीं जाएगा बस दो ही चीज़ें उसमें या तो वो होगी चीज़ें या नहीं होगी तो उसको बोलते हैं ट्रू ए फोल्स में इसको मोस्टली हम यूज़ करते हैं यहाँ पर हमें कंडीशन लगानी हो अगर ये ट्रू है तो ये वाला प्रोग्राम चल ये फोल्स है तो वहाँ पर ये चीज़ यूज़ करते हैं या कहीं पर हमें वैसी वैल्यू लेनी हो जहाँ पर हम बस आ, एक वेरिएबल ले लेंगे बी को उसमें हमने सैन कर दिया ट्रू ठीक है वो क्यों ट्रू है जब प्रोग्राम के एंड में पहुंचा रहे हैं उसको बी को फॉल्स कर दिया कि भाई बी फॉल्स हो जाए जब हमारी कंडीशन ट्रू हो जाए फिर उसका उसको तो चेक कर रहे हैं कि अगर बी फॉल्स है तो ये वाली चीज़ चले अगर बी ट्रू है तो ये वाली चीज़ चले तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं मतलब वन जीरो के लिए इसको यूज़ करते हैं ट्रू और फॉल्स स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करती है हमारी सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग का मतलब है जैसे हमारा कोई नेम हो गया ठीक है जैसे डिकोडिट हो गया तो ये एक पूरा नेम है तो इसको एक इससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टिंग स्टिंग डबल कोर्ट्स में आती है तो वो भी चलो आगे बताएंगे स्टिंग होती है डबल कोर्ट्स के अंदर हमारी और स्टिंग को रिप्रेजेंट करते, है करते हैं किससे स्टिंग को रिप्रेजेंट करते हैं हम डबल कोर्ट्स में और स्टिंग रिप्रेजेंट करते हैं हमारी सिक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को अब हम बात करते हैं इनिसन की इनिश्लेन और वेरिएबल्स को इनिसलाइज कैसे करते हैं अगर हमने जैसे कहीं पर एज अगर हमें डेटा टाइप का भी पता होना चाहिए कि हम डेटा टाइप कौन से वाला कहाँ पर यूज़ करने वाले हैं तो जैसे हमारा और हाँ एक और चीज़ यार मैं भूल गया हमने यू आ, ये चैनल सीरीज स्टार्ट की है तो इसमें अभी तक हमारे दो आ, दो दिन हो चुके हैं तो अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जाके चैनल को सब्सक्राइब कर करने इसमें प्रोजेक्ट्स में मिल जाएंगे आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस में मिल जाएंगे रिज्यूम से रिलेटेड भी मिल जाएंगे और जावा के और जावास्क्रिप्ट के ये सब चीज़ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी तो जाकर सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है यहाँ पर जा तो जैसे हम बात करते हैं वेरिएबल्स की तो हम वेरेबल्स पढ़ते हैं। तो इसमें क्या है अपना डिक्लेरेशन बताना है हमें वेरिएबल्स का ठीक है तो डिक्लेरेशन के लिए हमने क्या करना है कि कैसे कैसे डिक्लेयर करना है ये चीज़ मैं आपको बता रहा था तो हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारा जो वैल्यू है वो किस तरीके की होनी चाहिए तो जैसे कहीं पर हमारा क्या है एक वैल्यू है हमारी एज तो एज पॉइंट में नहीं होती है तो अगर पॉइंट में नहीं होती जैसे ट्वेंटी पॉइंट फाइव तो नहीं होता कहीं पर एज या थर्टी पॉइंट थ्री नहीं होता कहीं पर कि थर्टी पॉइंट थ्री है तो एज हमारी क्या होती है कि नंबर होती है एग्जैक्ट नंबर होती है तो उसके लिए हम कौन सा डेटा यूज़ करने वाले हैं हम उसके लिए यूज़ करने वाले इंटीजर मतलब तो कि ये वाला क्योंकि डबल फ्लोट में नहीं आती एज एज हमेशा में होती है नंबर्स में होती है अब उसको इनिशियलाइज कैसे करना है और डिक्लेरेशन कैसे करना है वेरिएबल्स का तो हम बात करते हैं इसमें तो अगर हमने क्या करना है वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है ठीक है तो जैसे हम यहाँ पर अभी तो अगर हमने बस सिंपल इनिशलाइज करना है एज लिख दिया यहाँ पर तो ये हो गया हमारा इनिशलाइजेशन मतलब हमने वेरेबल्स को एक मेमोरी के अंदर बनाया क्या ये कुछ ऐसा दिखेगा कि हमने एक मेमोरी के अंदर क्या किया एक एज नाम का बॉक्स बना दिया है ठीक है इसका नाम है एज ठीक है और इसको कुछ एड्रेस हो गया मतलब जो मेमोरी को एड्रेस होगा वो इसको पास आ गया ठीक है और अभी इस इस बॉक्स के पास कुछ नहीं है अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो इससे पता लग रहा है कि इस बॉक्स के पास कुछ नहीं है बस एक बॉक्स बनाया मेमोरी के अंदर एक लोकेशन बना ली बट उस लोकेशन के अंदर हमने कुछ ऐड नहीं किया अभी तक तो ये रिप्रेजेंट करता है ऐसे और इसको बोलते हैं हम डिक्लेयर करना किसी वेरेबल्स को डिक्लेयर कराना हमने यहाँ पर वेरेबल्स को डिक्लेयर कर दिया है तो ये होगा डिक्लेरेशन ऑफ इंटीजर टाइप वेरेबल्स अब हम बात करते हैं ये चीज़ इसको बोलते हम इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि जैसे हमारा ये एक्व टू इंटीजर इक्व टू एज बना दिया ठीक है अब हम क्या कह रहे हैं कि भाई इस एज के अंदर हमने कुछ वैल्यू डालनी है ट्वेंटी थ्री तो अगर हम एज को कहीं पर भी यूज़ करेंगे तो क्या हो वो ट्वेंटी थ्री को रिप्रेजेंट करे तो अगर हम अब एज लिखते हैं एज इक्वल्स टू ट्वेंटी थ्री और ये हो गया तो हमने पहले इससे डिक्लेयर किया और इसमें इनस्लेशन करा दिया और हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं डिक्लेरेशन प्लस इंसलेशन एक साथ ही बट यहाँ पर ये यह अलग अलग चीज़ें बताई मैंने तो डिक्लेरेशन क्या होता है और इंसलेशन क्या होता है इन्सलेशन का मतलब है कि किसी चीज़ को हमने वैल्यू दे देना मतलब उसको वैल्यू प्रोवाइड करा दिया हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हैं हम कि भाई हम ये वाला एज कहीं पर यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर तो आप इसको भी रख लो तो एज सिंपल बॉक्स हो गया एक और ये वाली चीज़ इंसलेशन का मतलब है उसके अंदर वैल्यू ऐड कर दी हमने और अगर हमें दोनों चीज़ को एक साथ ही करना है तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं और हाँ अगर ये अभी हमें इंटीजर टाइप लिया है अगर मैं यहाँ पर इसको स्ट्रिंग इस पास करा दूँ तो ये हमें एक एरर दे देगा एक क्वेश्चन एरर दे दिया क्या एरर है टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर मतलब हम यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर रहे हैं बट हमने एज को बताया हुआ है क्या कि वो एक हमारी इंटीजर होने वाली है बट यहाँ पर हम पास क्या कर रहे हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है तो हमें यहाँ पर क्या ऐड करना पड़ेगा कर? नंबर ही ऐड करना पड़ेगा अब दोनों चीज़ को हम कैसे करते हैं इनिशलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक साथ मतलब इंटीज़र मैंने यूज़ किया आई डी तो इंटीज़र आई डी यहाँ पर होगा हमने डिक्लेरेशन पहले हम क्या कर रहे थे बस सेमी कॉलर लगा के उसको ख़त्म कर रहे थे बट हम क्या करें इक्व टू उसके आईडी वन टू थ्री और ये पास कर दिया मतलब इसमें क्या हुआ यहाँ पर इनिशलाइजेशन भी हो गया और यहाँ पर हमने उसको वैल्यू भी एड करा दी मतलब डिक्लेयर किया और इन्सलेशन कर दिया तो ये दोनों काम एक ही साथ हो जाते हैं और मोस्टली हम जो इन्सलेशन और डिक्लेरेशन एक साथ ही करते हैं मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत कम यूज होता है बट ये वाला चीज़ हम एक साथ करते हैं मोस्टली प्रोग्राम के अंदर कभी कभी ये वाले की भी नीड पड़ जाती है हमें तो इन्सलेशन और डिक्लेरेशन आपने देख लिया कि हम इन्स्लेशन कैसे करते हैं डिक्लेरेशन कैसे करते हैं टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है एग्जैक्टली exactly? टाइप <coughs> कास्टिंग का मतलब है कि जैसे आपने टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि जैसे आपने कोई वैल्यू जैसे अभी यहाँ पर इसने एरर दिया था कि कैन नॉट कन्वर्टेड फ्रॉम स्ट्रिंग टू नंबर जैसे ये था ना कि अगर यहाँ पे नंबर प्रोवाइड करा दी तो ठीक है अगर हमने यहाँ पर स्ट्रिंग प्रोवाइड करा दी तो ये मना कर रहा है ठीक है वो बोल रहा है कि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते या हमने ये वाला पास किया इसको तो इसको मना कर रहा है वो मना कर रहा है क्या कि डबल को हम इंटीजर में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं तो इसको इंटीजर ही देना पड़ेगा हमें यह हम डबल लिया इक्वल्स टू हम ले रहे हैं आई डी टू उसमें हम पास करा सकते हैं ये ओके आई डी टू लिया हमने इसने कोई आरटी नहीं दिया यहाँ पर क्योंकि डबल है और डबल में हम डेसिमल वैल्यू को यूज कर सकते हैं इंटीजर में हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्या मना कर रहा है क्योंकि डबल हम नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं इसको कैन नॉट कन्वर्ट डबल इनटू इंटीजर ऐसे सेम हमारा स्ट्रिंग के साथ है स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू एस टी और हमने यहाँ पर पास कर दिया इट और यहाँ पर इसको कैपिटल में यूज़ करना पड़ेगा ये होगा हमारा स्ट्रिंग तो इसको भी इसने कोई एरर नहीं दिया तो एस टी अगर हम कहीं पर यूज़ करेंगे ये वाला कहीं पर यूज़ करेंगे तो हम पर क्या आने वाला है तो मैं इनको कंसोल में आपका आउटपुट भी दिखाता हूँ सिस्टम आउट इन तो अगर मैं कहीं पर क्या यूज़ कर रहा हूँ आई तो वो मुझे क्या वैल्यू देगा अभी तो एरर दे रहा है बट मैं इसको क्या कर देता हूँ ये हटा देता हूँ तो अभी तीनों चीज़ सही होगी आई डी आई डी टू एंड स्टिंग तो ये क्या देने वाले हैं हमें अगर इनको रन करें तो इसने मैं दिया टू थ्री फोर बट अगर अगर मैं इसको पॉइंट के साथ यूज़ करता हूँ तो क्या तब भी रन करेगा ये इसने कह दिया कि नहीं हो सकता है कैन नॉट कनोड इट डबल इन टू इंटीजर तो ये चीज़ को ओवरकम करने के लिए मतलब कहीं पर हमें नीड है इसकी तो वो एरर ना दे इसके, इसके लिए आया हमारा क्या टाइप कास्टिंग मतलब एक ए, ए, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लेना तो जैसे हमारा ये है समथिंग वी समथिंग समटाइम वी नीड एंड कन्वर्टिंग डेटा टाइप इनटू अनदर डेटा टाइप मतलब कि जैसे हमें डबल को इंटीजर में कन्वर्ट करना है ठीक है तो वो यूज कर सके उसको जैसे यहाँ पर हम क्या चाह रहे हैं कि बस हमें टू थ्री फोर चाहिए भाई ये वैल्यू आ गई तो कोई बात नहीं अब इसको इग्नोर कर दो बट यहाँ पर हम नहीं कर रहे इग्नोर क्योंकि वो क्या बोल रहा है कि आपको इंटीजर वैल्यू ही देनी पड़ेगी इसलिए हम इसका टाइप कास्टिंग करने वाले हैं अब तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि भाई आप इसका काम करो इसको टाइप कास्ट करा दो द प्रोसेस इज नोन एज टाइप कास्टिंग फॉर एग्जाम्पल कन्वर्टिंग डबल इंटू इंटीजर क्योंकि एग्जैक्टली exactly क्या वैल्यू ये एग्जैक्टली exactly तो डबल वैल्यू है बट हम चाह रहे हैं इसको इंटीजर में लेना तो वो नहीं आएगी क्योंकि डबल डबल में आ सकती है इंटीजर इंटीजर में आ सकता है तो जैसे ये प्रोग्राम है डबल इक्वल्स टू ये वाली वैल्यू है और इंटीजर हमने राउंड ऑफ करके पाई की वैल्यू निस्लाइज करा रहे हैं हम तो ये इसको मैं आपको कॉपी करके दिखा देता हूँ यहाँ पर या हम इसको भी कर सकते हैं पहले मैं ये वाला आपको मैं आंसर दिखाता हूँ डबल लिया हमने पाई और इंटीजर राउंड ऑफ कर दिया हमने इंटीजर टाइप पाई बना के मतलब जब पाई की वैल्यू मैं दिखाता हूँ पाई की वैल्यू पहले इसके आने वाली क्या है मुझे बताओ पहले तो कि पाई की वैल्यू आने वाली क्या है थ्री पॉइंट वन फोर ये आएगी या बस ओनली थ्री आएगी तो वीडियो में कमेंट करना कि क्या आएगी पर मैं बता देता हूँ थ्री आने वाली है इसकी वैल्यू क्योंकि हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया उसने कोई एरर भी नहीं दिया हमें ओके ये इसको दे रहा है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए इसको हटा देते हैं इसको हम कर देते हैं कमेंट तो अगर मैं अब जहाँ इसको रन करता हूँ तो हमारी वैल्यू क्या आने वाली है थ्री पॉइंट वन फोर पाई की वैल्यू जो भी होगी हाँ तो इसने क्या कहा कि उसको राउंड ऑफ कर दे इंटीज़र वैल्यू के अंदर पाई की जो भी वैल्यू है आप उसको यूज़ कर सकते हैं जैसे तो इंटीज़र तो इसने ये क्या किया उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर टाइप में और कोई एरर नहीं दिया अब जैसे ये था हमारा अब हम इसकी बात करते हैं इंटीज़र हमने यूज़ किया हुआ वा ये वाली वैल्यू को तो ये दे रहा है बट मैं क्या करता हूँ इसको आ, इसको बनाते हैं डबल क्योंकि डबल के साथ इसको कोई इशू नहीं है डबल आईडी होगी ये और फिर मैं कह रहा हूं कि भाई इंटीजर क्या करें राउंड ऑफ करके हमें क्या दे दे ये भी राउंड ऑफ करके वैल्यू आ रही है अगर आपने नोटिस किया होगा पूरी की पूरी वैल्यू राउंड ऑफ करके आ रही है कैसे दिखाते हैं अभी अगर मैं इसको रन करता हूँ अभी इसने एसडीज डीज वैल्यू दे रहा है तो ये राउंड ऑफ करके या जो भी हमने अरे यार ये पाई यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर मेरे को राउंड ऑफ़ वैल्यू यूज़ करनी तभी तो वो शो नहीं कर रहा है तभी ये इशू है अभी देखना भी अभी वैल्यू क्या आएगी अभी इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए देखो थ्री वैल्यू आ रही है क्योंकि हमने पहले हम पाई यूज़ कर रहा था तो एज इट इज़ वैल्यू तो यही दे रहा था अब इसने क्या किया इस पाई को कन्वर्ट कर दिया ओनली इस इंटीजर वैल्यू में अब जैसे हम ये वाला एग्जाम्पल कर रहे थे तो इसमें क्या है डबल हमने यूज़ किया भाई ये अब तो सही है बट हमें इंटीजर भी चाहिए इसका तो हम क्या करेंगे इंटीजर राउंड आईडी राउंडेड आईडी और वो क्या करेगा हम इसको इंटीजर जिस भी जिस भी चीज़ में हमें कन्वर्ट करना है उससे पहले उसका ब्रे, कड़ी uh, ब्रेसिस और नेम रख देना है और आईडी तो अब अगर मैं इस वाली वैल्यू कहीं पर भी यूज़ करूँगा तो वो क्या देगा अभी मुझे पहले तो उसने एरर सॉल्व कर दिया और हम क्या कर पा रहे हैं उसको एज ए इंटीजन में भी यूज़ कर पा रहे हैं टू थ्री फोर आ रहा है बस जो कि पहले नहीं आ रहा था अगर मैं इसको आईडी में भी कन्वर्ट कर दूंगा तो ये तो एरर देगा कि दो वेरिएबल्स को हम एक जैसे नहीं यूज़ कर सकते दोनों के अलग अलग वैल्यूज़ हैं डुप्लीकेट दु, वेरिएबल्स तो नहीं आएगा हम इसको आई डी टू रख लेते हैं आई डी टू भी यूज है आई डी थ्री यहाँ पर भी हम कर देंगे आई डी थ्री तो अभी आपने समझ आया होगा कि टाइप कास्टिंग क्यों करी हमने और वेरिएबल्स क्या होते हैं डिक्लेशन कैसे करते हैं और ये अपना पूरा टाइप कास्टिंग का एग्जाम्पल है थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं टाइप कास्टिंग में क्या होता है कि जैसे ये हमने ले रखा है इसके अंदर वैल्यू है टू थ्री फोर पॉइंट फिफ्टी सिक्स ठीक है बट हमें बस यही वैल्यू चाहिए बट ये भी होनी चाहिए मतलब कहीं पर हमारा है ऐसा एग्जांपल देता हूँ कहीं पर हमारा एवरेज है एवरेज क्या है एवरेज तो पॉइंट में आ सकता है ये एवरेज ठीक है और कहीं पर हमें फिर उस एवरेज की बस सिंपल एक इंटीजर वैल्यू चाहिए ये वाली वैल्यू चाहिए तो हम इसको तो ऐसे डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि तो डबल में है और डबल में तो हमारी क्या होती है इंटीजर वैल्यू और डेसिमल वैल्यू दोनों आती है बट हमें क्या चाहिए सिंपल ट्वेंटी फोर यूज़ करना है तो हम क्या करेंगे जिस भी डेटा टाइप में हमें कन्वर्ट करना है इसको हम इस एवरेज को इंटीजर और यहाँ पर लिख देंगे एवरेज जो कि यहाँ पर लिखा है हमने तो अब क्या होगा सिंपल एक वेरिएबल का नेम लेंगे यहाँ पर और उसका टाइप क्या होगा इंटीजर टाइप होगा तो नंबर या कुछ भी जो भी एक्स एक्सपाइट जो भी आपने लेना है तो बस यहाँ पर ये वैल्यू इसको असाइन हो जाएगी और ये डेसिमल वाली वैल्यू को इग्नोर कर देगा तो एवरेज अगर यूज़ करेंगे तो ट्वेंटी फोर पॉइंट फाइव आएगा बट अगर ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे तो ओनली ये होगा ट्वेंटी फोर आएगा तो इसलिए हम टाइप कास्टिंग करते हैं और कहीं कहीं पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ भी है तो हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं तो ये टाइप कास्टिंग होगी और ये अपना वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गया आई थिंक यही था डे टू में और डे टू में तो आई थिंक ये ही था आई थिंक और इसके बाद कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और उनमें अगर आपको डाउट्स आते हैं तो हम उनको करने वाले हैं कल हाँ टाइप कास्टिंग हो गया डिक्लेरेशन वेरिएबल्स हो गया और इनिशलाइशन भी करा दिया और डे टाइप्स क्या होते हैं वो भी करा दिया अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की जो क्वेश्चंस आपने कल करने हैं और जो कि आपको कमेंट्स में मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस तो ये क्वेश्चंस है अगर आपको इसमें डाउट्स है तो आप इनको कमेंट करके अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इनको जोन से भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो वो आप मुझे बता देना हम लोग कल करेंगे डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल्स को कैरेक्टर टाइप में जिसको असाइन कराना है हम ए दो तो बहुत ईजी है हो जाना है क्रिएट करना है एक कॉन्स्टेंट डबल जो कि तो अभी मैंने बताया है कि हमें डबल वैल्यू को इनिसलाइज करना है अगर थोड़ा एडवांस लेवल क्वेश्चन चाहिए आपको तो वो भी मैं आपको बता दूंगा बट ये थोड़ा बेसिक से चल रहा है तो इसलिए छोटे 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 क्वेश्चन है आपको अगर ये चीज़ पता होगी तो आप आगे की ही चीज़ेंगे तुमसे घर जाओगे डिक्लेयर वेरिएबल्स बुलियन टाइप जावा इज फ़न और उसको सेट करना है ट्रू तो एक वेरिएबल बुलियन टाइप का हमने करना है और उसकी वैल्यू क्या असाइन करानी है ट्रू वैल्यू करानी है टू वेरिएबल्स लेने नंबर वन नंबर टू जो कि इनिशलाइज जो कि इंटीजर के होने चाहिए उनमें वैल्यू असाइन करनी है क्या टेन और ट्वेंटी और रिप्रेजेंट करना है कि उनका सम भी कैलकुलेट करके आना चाहिए तीसरे में तो ये थोड़ा आपको अलग पड़ सकता है तो इसको कैसे करना है मतलब इसमें क्या करना है कि ए और बी दो वेरिएबल्स लेने हैं उनमें हमने क्या क्या असाइन कराना है टेन और ट्वेंटी थर्टी जो भी है और इन दोनों का सम करके एक तीसरे वेरिएबल में आना चाहिए सी या सम में तो ये थोड़ा आप करोगे तो ये थोड़ा आपको अलग लगे और मे भी आप इसमें क्वेश्चन में फंस सकते हो बट बहुत इजी है और ज़्यादा कुछ हार्ड भी नहीं है इसमें और लास्ट वाला है क्या गिविन दि फॉलोइंग कॉडी स्निप्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ राउंड ऑफ आफ्टर एजुकेशन ये मैंने आपके ऊपर अभी बताया है तो यार तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है तो आपको अभी आप वीडियो देखते देखते देख बता सकते हो कि इसकी वैल्यू राउंड डेढ़ की वैल्यू क्या आने वाली है डबल था उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है तो आप ये वाले क्वेश्चन भी करना और अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो होगा तो आप कमेंट करना हम नेक्स्ट वीडियो में इन वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ये अपना डे टू था डे थर्ड के अंदर हम क्या करने वाले वो आप कल